हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। हम कई पोइट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनकी पोइट्री पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे पोइट्स कम ही होते हैं जिनका समर्पण, डिवोशन भगवान के प्रति इतना ज़्यादा हो कि वो उनकी पोइट्री में भी दिखने लग जाए। जॉर्ज हर्बर्ट की पोइट्री कलेक्शन द टेम्पल में उनके दोस्त निकोलस फेरार ने लिखा था, हिज ओबीडियंस एंड कन्फॉर्मिटी टू द चर्च एंड द डिसिप्लिन देयर ऑफ वॉज सिंगुलरली रिमार्केबल। यानी चर्च के प्रति जॉर्ज हर्बर्ट का समर्पण और अनुशासन याद रखने लायक है। तो आइए इस वीडियो में हम इंग्लिश पोएट जॉर्ज हर्बर्ट की लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में जानते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट का जन्म 3 अप्रैल 1593 और देहांत 1 मार्च 1633 को हुआ। जॉर्ज हर्बर्ट की लाइफ में झांकने से पहले उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनके लाइफ टाइम में 3 ब्रिटिश मोनार्क्स ने राज किया था। पहली थी क्वीन एलिजाबेथ वन, दूसरे थे किंग जेम्स वन और तीसरे थे किंग चार्ल्स वन। उन सब के टाइम पीरियड्स ऑफ रूल मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। ये जानना भी ज़रूरी है कि उनकी लाइफ विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन के साथ कुछ साल शेयर करती है। उनकी पोएम्स शेक्सपियर के वर्क्स के बाद और जॉन मिल्टन के वर्क्स के पहले लिखी गईं। जॉर्ज हर्बर्ट की माँ मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की एक पैट्रन थी, यानी जॉन डन को वो मॉनेटरी सपोर्ट देती थी, पैसों की हेल्प करती थी। जॉर्ज हर्बर्ट भी एक मेटाफिजिकल पोएट है, इसके साथ साथ वो एक डिवोशनल पोएट भी हैं। इस वीडियो का पर्पस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स देना भी है और जॉर्ज हर्बर्ट की लाइफ से आपको अच्छे से फैमिलियर करवाना भी। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वीडियो को एक बार पूरा सुन लीजिए और फिर पॉज कर नोट्स बना लीजिएगा। एक डिटेल लाइफ हिस्ट्री जानने से पहले हम जॉर्ज हर्बर्ट की लाइफ के कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं। वो एक इंग्लिश पोएट थे, ओरेटर थे और प्रीस्ट थे चर्च ऑफ इंग्लैंड के। जॉर्ज वेल्स में पैदा हुए थे और मेटाफिजिकल पोएट्स में से एक थे। इंग्लिश लिटरेचर में जॉर्ज हर्बर्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका पोएट्री कलेक्शन द टेंपल है। केवल 40 साल की उम्र में, यानी 1633 में, जॉर्ज हर्बर्ट ट्यूबरक्लोसिस के चलते नहीं रहे। उसके बाद पॉस्थिमसली, यानी मरणोपरांत, मरने के बाद उनके एक क्लोज फ्रेंड निकोलस फेरार ने उनकी पोएट्री छपवाई और वो कलेक्शन जो छपा था उसका ही नाम था द टेंपल। अब जॉर्ज हर्बर्ट की लाइफ की इम्पॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स जानते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट का जन्म 3 अप्रैल 1593, यानी 3 अप्रैल 1593 में मॉन्टगोमेरी शायर वेल्स की एक बहुत ही वेल्दी, यानी पैसे वाली फैमिली में हुआ था। वो रिचर्ड हर्बर्ट और मैगडलिन न्यूपोर्ट के बेटे थे। उनके घर में उनके 10 भाई बहन थे, जिनमें वो 5th नंबर पे थे। जब जॉर्ज केवल 3 साल के थे, यानी 1596 में, तब उनके पिता नहीं रहे। 1597 में उनकी मदर मैगडलिन, जो कि काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही होंगी, अपने बच्चों को लेकर चैरिंग क्रॉस लंदन में शिफ्ट हो गई। शुरुआत में जॉर्ज को होम ट्यूटर किया गया, यानी घर में ही उनकी पढ़ाई करवाई गई। 1604 एक इम्पॉर्टेंट साल था उनके लिए, क्योंकि तब उन्हें वेस्टमिंस्टर स्कूल, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रामर स्कूल था, में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ पर हर्बर्ट ने ग्रीक, लैटिन, हिब्रू और म्यूज़िक जैसे विषयों को सीखा। उसी दौरान उनको चर्चमैन और प्रीचर लैंसलॉट एंड्रयूज से मिलने का मौका मिला, जो कि उस ज़माने की एक बहुत महान शख्सियत थे। 1609 एक बहुत इम्पॉर्टेंट साल है उनके ईयर का, क्योंकि तब उनका दाखिला ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुआ, जहां पर उन्होंने बीए, एमए की डिग्री हासिल करने के साथ साथ एक लेक्चरर और ट्यूटर की तरह भी काम किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 बहुत ख़ास और इम्पॉर्टेंट वर्ष वहाँ पर बिताए कैम्ब्रिज में। उसी दौरान उन्होंने पोइट्री लिखना भी शुरू किया। साल 1620
1620 में उन्हें यूनिवर्सिटी ओरेटर की बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट मिली। यूनिवर्सिटी ओरेटर मतलब यूनिवर्सिटी का प्रवक्ता। आज हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रवक्ता होते हैं जो कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो मत होता है, बात होती है, वो सामने रखते हैं। वैसे ही यूनिवर्सिटी का जो मत था उसे सामने रखने का काम जॉर्ज हर्बर्ट को दिया गया। उनके एकेडमिक करियर के दौरान उनकी कुछ ही पोएम पब्लिश हुई और वो ओकेजनल पोएम्स थीं, किसी खास ओकेजन पे लिखी गई पोएम्स थीं और वो ग्रीक और लैटिन भाषा में थीं। साल 1629 में उन्होंने ठाना कि वो प्रीस्टहुड ज्वाइन करेंगे, एक पादरी की तरह ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। और 1630 जो कि अगला साल था, 1630 फगलस्टोन सेंट पीटर विद बियमर्टन का पादरी बना दिया गया। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इंग्लैंड में जो एरिया होता है लैंड का, उसे अलग अलग पैरिश में डिवाइड कर दिया जाता था। पैरिश क्या होता है, एक समझ लीजिए एक मोहल्ला किस्म का होता है या बस्ती, जिसकी एक चर्च होती है, उस पूरे एरिया की एक चर्च होती है। तो जो ये जगह थी फगलस्टोन सेंट पीटर विद बियमर्टन, इस पैरिश का और वहाँ की चर्च का उन्हें पादरी बना दिया गया। रेक्टर एक क्लर्जी मैन ही होता है, पादरी जैसा ही वो बना दिया गया उनको। और जॉर्ज हर्बर्ट पूरी दो चर्चेस के लिए ज़िम्मेदार थे, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी। इस तरह से हमें उनका रिलीजियस बैकग्राउंड समझ में आता है। ब्रैमर्टन में जो साल उन्होंने बिताए, उसी दौरान उन्होंने द टेम्पल, जो उनका प्रोमिनेंट पोएट्री कलेक्शन है, लिखा। उन्होंने उस दौरान अपना इकलौता प्रोज वर्क, जो गद्य रचना थी, वो भी लिखी, जिसका नाम था अ प्रीस्ट टू द टेम्पल और द कंट्री पार्सन और हिज कैरेक्टर एंड रूल ऑफ होली लाइफ। इसे अक्सर केवल द कंट्री पार्सन बोल दिया जाता है। 40 साल की उम्र में 1633 में ट्यूबरक्यूलोसिस या कंजम्पशन से उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स अपने फ्रेंड निकोलस फेरार को भिजवाई और कहा कि अगर किसी परेशान सोल के काम आ पाएँ तो ठीक है ये, वरना इनको जला देना। 1633 में ही द टेम्पल सेक्रेट पोएम्स एंड प्राइवेट एजेक्युलेशंस निकोलस फेरार के द्वारा एक प्रेफिस के साथ पब्लिश हुई। साल 1690 तक आते आते इस पोएट्री कलेक्शन के 8 एडिशंस पब्लिश हो चुके थे। अभी हम जॉर्ज हर्बर्ट की जितनी भी पोएम्स को जानते हैं वो सब इंग्लिश में हैं, यानी ग्रीक और लैटिन में लिखी गई जो उनकी पोएम्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाई। उनकी डिवोशनल पोएम्स काफ़ी पॉपुलर रही हैं, यानी लोकप्रिय रही हैं, लोगों ने थ्रू आउट द एजेस इतने सालों से उनको काफ़ी पसंद किया है, इसलिए आज भी हम उनकी पोएम्स पढ़ते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट की पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। वो एक रिलीजियस और मेटाफिज़िकल पोइट है। मेटाफिज़िकल पोइट्स एक पूरा स्कूल ऑफ पोइट्री था जो कि 17th सेंचुरी में था, और जॉन डन इसके सबसे प्रोमिनेंट पोइट थे। उनकी जो बेस्ट पोइट्री है वो डिवोशनल वर्सेस हैं, यानी ईश्वर को समर्पित जो पोएम्स हैं उनकी, वो उनकी बेस्ट पोएम्स हैं। उनकी पोइट्री जॉन डन से सिमिलर है, किस बात में कि वो भी कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जॉन डन की तरह, आम भाषा का, ज़्यादा कठिन भाषा, कॉम्प्लेक्स भाषा का यूज़ नहीं करते। उनकी पोएट्री में डीप रिलीजियस डिवोशन दिखता है, एक लिंग्विस्टिक प्रेसिजन दिखता है। लिंग्विस्टिक प्रेसिजन मतलब जो भाषा है उसका प्रयोग बड़ा सटीक ढंग से होता है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, जितनी ज़रूरत है उनके भावों को निकलने के लिए उतना ही वो यूज़ करते हैं, ये उनकी स्टाइल है। और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेट्रिकल एजिलिटी, यानी मीटर का ऐसा अरेंजमेंट जो कि कविता का जो टेक्स्ट है उसे एक बहुत चपल बना दे, बहुत तेज़ी से हम उसके वर्ड्स पढ़ पाएँ एक लय में। जैसे कि कुछ गाने होते हैं जो कि ज़बान पर चढ़ जाते हैं, और अगर हम उन्हें थोड़ा भी गाना शुरू करते हैं या फिर कोई भी बोल भी सुन लेते हैं उनके कभी भी, तो पूरा गाना गाए बिना या फिर एटलीस्ट वो वर्ड्स गाए बिना हम नहीं रह पाते। वहीं ऐसे कुछ गाने होते हैं जो बन तो जाते हैं लेकिन जब हम उन्हें गाते हैं तो
एक वर्ड ज़्यादा कम कहीं लग रहा होगा, कहीं कोई राइमिंग ढंग से बैठ नहीं रही होगी, तो वो उतना ज़बान पर नहीं चढ़ पाते। तो मेट्रिकल एजिलिटी मतलब मीटर का, यानी स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का ऐसे अरेंज्ड होना कि वो पोएम जो है उसे जल्दी जल्दी एक बहाव के संग पढ़ा जा सके। इंजीनियस यूज़ ऑफ कंसीट। कंसीट मतलब एक बहुत ही अलग सा कंपैरिजन दो चीज़ों का, जो कि सरफेस लेवल पर हमको बहुत ज़्यादा रिलेटेड ना लगे, लेकिन उन्हें कंपेयर कर दिया जाए। मेटाफिज़िकल पोइट्स की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो मेटाफिज़िकल कंसीट्स का, कंपैरिजन्स का, मेटाफर्स होते हैं एक तरीके के, उनका बहुत यूज़ करते हैं। इंजीनियस मतलब बहुत इन्वेंटिव, बड़े क्लेवर तरीके से। रोमांटिक पोइट एस.टी. कोलरिज ने जॉर्ज हर्बर्ट की पोइट्री के बारे में कहा है, नथिंग कैन बी मोर प्योर, मैनली एंड अनअफेक्टेड। अपने चैनल पर जॉर्ज हर्बर्ट की कई एक पोएम्स डिस्कस करने वाली हूँ, उसमें विद एग्जांपल्स इन क्वालिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। जॉर्ज हर्बर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स में से एक हैं लव वन, लव थर्ड, ईस्टर विंग्स, जॉर्डन वन, द ऑल्टर, द कॉलर, वर्च्यू, एफ्लिक्शन, द पुली, डिसिप्लिन। इसके अलावा भी कई पोएम्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो की लेंथ को देखते हुए मैंने केवल इतनी ही मेंशन की है। हर महान पोएट अपने साथियों और आने वाली पीढ़ियों पर एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालता है। जॉर्ज हर्बर्ट का केस भी कुछ अलग नहीं है। अपने लाइफ टाइम में हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्रॉशॉ, थॉमस ट्रहान जैसे पोइट्स पर उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट डाला, और अपनी लाइफ टाइम के बाद कई बड़े पोइट्स जैसे सैमुअल टेलर कोलरिज, रेल्फ वाल्डो एमर्सन, एमिली डिकिंस, जेरार्ड मेनली हॉपकिंस, टीएस एलियट, डब्ल्यू एच ऑर्डन, एलिजाबेथ बिशप, एंथनी हेक्ट और शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर भी उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि विक्रम सेठ एक बहुत फेमस इंडियन ऑथर हैं, जो उन्हें जॉर्ज हर्बर्ट का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने जॉर्ज हर्बर्ट का जो पुराना घर था वो ही खरीद लिया। 93 to 1633. He was a wonderful poet, George Herbert, and his life overlapped that of Shakespeare, and he was a religious poet, actually an Anglican poet, and my background is very different, but I've always loved his poetry. Very straightforward, very simple, very intelligent without being too clever, and somehow there's a great sincerity to his writing. I hope इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली अपडेट से भी आप अवगत रहें, उसके टच में रहें। कॉमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस पोएट की बायोग्राफी या लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। गुड बाय एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।